माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें, कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा, अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पष्ट कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी माननीय सभापति जी बात आ गई, माननीय सभापति जी उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूँ, ये तो सदन में है, आरजी वन ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूँ, अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो, और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था, और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब, अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते, और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया, ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है माननीय जी, और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स, आई वॉन्ट माई कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास कंट्री इन एवरीथिंग, द मोमेंट वी एनकरेज द सेकंड रेट वी आर लॉस्ट, आई अनकोट, ये किसने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा, आप उससे सहमत हो गए नहीं सहमत हो बताइए, माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे, कृपया चेयर को आप एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी, सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं नहीं सर मेरे एक मिनट सर, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा, आप दिखाइए सर, सबका साथ सबका विकास हमने किया सर, अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया, रामनाथ कोविंद जी को ऐसी समाज से आते थे राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया, एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू को हमारी सरकार, अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज सबसे ज्यादा मंत्री SC ST ओबीसी है तो हमारी सरकार में सर, सर मैं इतना ही कहूंगा, समाप्त करें सर, मैं दो मिनट में खत्म, सर दो मिनट सर, MSP सर, ये MSP की बात कर रहे थे सर, MSP कौन लाया, MSP सर 61 के युग में उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई, 61 के बाद 66 में आप लाए, आप इतने सालों तक क्या करते रहे, क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया सर। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की, 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए, कितने SC ST OBC थे, कितने SC ST OBC थे सर, वहाँ के OBC का पैसा, SC ST का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके लग कर दिया गया, पूछा आपने क्या उनसे कौन किया, और सर यही नहीं मैं पूछता हूँ सर, सर मैं पूछता हूँ इनमें से सर, अब आप संक्षिप्त समाप्त करें, आप समाप्त सर, एक मैं कहना चाहता हूँ सर, सर आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं।
चाहता हूँ यहाँ पर एक बात। सर अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की बात है सर। सर देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। चार परमवीर चक्र जीता हुए, दो हमारे यहाँ से हुए, वन रैंक वन पेंशन, ये बात 40 साल तक इन्होंने दी। सर अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और ये नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी एंटरप्रेन्योर। सर एक बात अंत में लास्ट बात कह रहा हूँ, सर ये लास्ट है। सर मैं एक बात ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर, युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेकर इंटर्नशिप से लेकर बाकी सब। मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ। सर स्पेस सेक्टर के लिए 1000 रुपये वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया। सर जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है। सर यही नहीं सर, इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे, वापस नहीं लाए थे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी जगह को मजबूत किया। सर डॉक्टर प्रदीप, स्टार्टअप में सर हम नंबर वन बने। सर आखिरी लाइन है सर, सर 30 सेकंड, सर आखिरी लाइन सर, ये कहते हैं देश में डर का माहौल। सर मैं इतने ही कहूंगा, डर का माहौल है अपराधियों में, डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, डर का और भय का माहौल है देशद्रोहियों में, अधर्मियों में, कुकर्मियों में, और सबसे ज्यादा डर का माहौल है देश के दुश्मनों में। सर देश के दुश्मनों में। सर अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट तो लाए, ये जन भावनाओं का बजट है जिसका पूरा सदन पूरी पूरी प्रशंसा करता है, और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप पाड़ी रही, डॉक्टर प्रदीप पाड़ी रही, डॉक्टर प्रदीप क्या कहना चाहते हैं? शशि थरूर जी, Rule 353. Mr. Premchandran ji, he has not. He cannot take my name immediately without notice. I have given whatever you are wanted to raise. Already, LOP has raised the issue. Akhilesh Yadav ji has raised. No point of order. No point of order. No, nothing. Shashi Tharoor ji, ab tak kar lijiye aap logon mein. डॉक्टर प्रदीप पाड़ी कर ही सर, लाइक टू स्पीक फॉर विष्णु पदरे, विष्णु पदरे अगर वो नहीं, विष्णु पदरे जी, मिस्टर चेयरमैन सर, लेट मी पॉइंट आउट, ही हैज रिपीटेडली टेकन माय नेम सर, ही हैज रिपीटेडली टेकन माय नेम। पाड़ी जी का हमारा राइट टू रिस्पांस, आप भी सुन लो, आपको जरूरत है, अभी ले लो, आपका भला होगा। मोदी जी ने ऑयल एंड गैस का नाम पर अंडमान में 4 जगह में अक्टूबर में ऑयल ड्रिलिंग काम शुरू हो जाएगा। यह मोदी जी वो नहीं है। चलिए नंबर टू, भाई प्रदीप किसने बेचा था सर? भाई प्रदीप महाराजा पूरी इंपल का राजा लोग आए थे, चेन गैंग बना के जेल बनाया था भाई प्रदीप। इस पार्टी ने भाई प्रदीप बेचा था, कैसीनो का नाम पर, जुआ खेलने का नाम पर बचाया था। मैं विष्णु बोध राय एंटनी माफी मांगा था, भाई प्रदीप बेचा था इन लोगों ने, उसका माताजी ने बना था बफर जोन जारवा रिजर्व। अंडमान निकोबार जी को देखो क्या बना है, क्या बनाया मोदी आपने, क्या बनाया। जय हिंद भारत माता की जय। डॉक्टर प्रदीप पाड़ी के रही, क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए सर? नहीं क्या चाहिए, कोई पानी के नहीं, ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, महामंत्री को खड़ा करते हैं ना, फिर होता है मंत्री जी को बुला लीजिए। शशि थरूर जी, लो सुन लो सर, ये 353 एलिगेशन का सर, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट सर, अंडर रूल 353 द ऑनरेबल मेंबर हैज नो बिजनेस टेकिंग माय नेम रिपीटेडली विदाउट नोटिस सर, एंड द नोटिस वाज नॉट गिवन। आई तरीका ठीक नहीं है आपका, ऐसा नहीं है। बोलिए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, नंबर बताइए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। पॉइंट 353 सर, 353 दोबारा। अच्छा, अब आप लोग 352 और 353 को पढ़ी लो आज,
सुनाओ एक बार बैठो पढ़ लो मुझे डेली के डेली सर आई हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड पढ़ाओ बोलो